हेलो बच्चों, कैसे हैं आज? बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, है ना? ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर जन्म में आपको साथ देगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। बस हफ्ते पूरा बोर्ड पर नज़र रखेंगे, और वीडियो तो बच्चों बहुत छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आप पूरा देखें और पूरा एंजॉय करें, ठीक है? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्ट। ऑफ इंट्रॉपी। कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी। इंट्रॉपी जो है बच्चों, कहता है किसी सबस्टांस के डायरेक्शन को मेजर करता है ना? तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इट मेजर द डायरेक्शन ऑफ सबस्टांस और रैंडम नेस ऑफ सबस्टांस। ये तो बच्चों हो गया कि किसी सबस्टांस के डायरेक्शन को मेजर करना, है ना? इंट्रॉपी कहलाता है। दूसरा, इंट्रॉपी इज ए स्टेट फंक्शन। इट इज इन डिपेंडेंट ऑफ पाथ। कहता है पाथ कहीं भी हो, है ना? ये स्वतंत्र है पाथ के लिए, बट डिपेंडेंट या डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ये निर्भर करता है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस, कैपिटल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चेंज ऑफ इंट्रॉपी अगर आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे? फाइनल स्टेट ऑफ इंट्रॉपी माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ इंट्रॉपी। इंट्रॉपी यानी डेल्टा एस बराबर हो जाएगा एस टू माइनस एस वन। ये तो हो गया बच्चों चेंज ऑफ इंट्रॉपी। अब देखते हैं फोर, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में, है ना? रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देखते हैं तो कहता है डेल्टा एस बराबर होता है डेल क्यू बाई टी, यानी डेल क्यू की जगह पर ऐसे लिखते हैं डेल ई प्लस पी डेल वी बाई टी बराबर डेल एच बाई टी। तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों बोर्ड पर नज़र रखें, थोड़ा सा और है, समझ में आएगा ही आएगा, और जो भी अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर करेंगे, नहीं भी आता है तो कमेंट करेंगे, ठीक है? यानी इनट्रॉपी इज नॉट रिलेटेड रिलेटेड टू द स्टेट स्टेट ऑफ सबस्टांस।
स्टेट ऑफ सबर स्टांस, इट इज ओनली रिलेटेड टू अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ सबस्टांस, अरेंजमेंट ऑफ सबस्टांस। कहता है एंट्रोपी इज नॉट रिलेटेड टू अ स्टेट ऑफ सबस्टांस से रिलेटेड नहीं होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ सबस्टांस से रिलेटेड होता है। इसके बाद वेन सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड सॉलिड हो या लिक्विड हो, है ना, इज कन्वर्टेड इंटू वेपर। कहता है सॉलिड या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, द एंट्रोपी इज इंक्रीज करता है, है ना, एंट्रोपी जैसे सॉलिड है बच्चों, ए जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो डेल एस पॉजिटिव होगा, है ना, यानी चेंज ऑफ इंट्रोपी पॉजिटिव होगा। अगर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, अगर लिक्विड लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, यानी एस सॉलिड लेस देन एस लिक्विड लेस देन एस, एस का मतलब होता है बच्चों एंट्रोपी वेपर। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, और अभी एंट्रोपी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा ऐसा है जो कि आपके कंपटीशन में आने वाला है, इसलिए रेगुलर वीडियो देखिए। और इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।